अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो वेलकम बैक अगेन, मैं फिर दोस्त वादी कश्मीर की एक खूबसूरत और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से अभी आपके साथ बात हो रही है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ तोसा मैदान के बांडर सलाक पर। इस वक्त लाइव आपके साथ बात कर रहा हूँ और आज की वीडियो के हवाले से अगर बात करें तो पहली बार बांडरसर लेक पर एक किश्ती, एक बोट आपको नज़र आ रही है। जो बांडरसर लेक लगभग 13 या 14 किलोमीटर दूर है मैन हेलीपैड से, यानी कि तोसा मैदान का जो हेलीपैड है, या हफास की बात करें या कदलबल की बात करें, लगभग कदलबल या हफास की बात करें वहाँ से 13 या 14 किलोमीटर दूर है। एक आसान, मुझे लगता है कि बेहतरीन ट्रैक है, कोई आपको पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, बिल्कुल आपको एक घास के मैदानों से यहाँ पर आपको पहुँचना होगा। बहुत ही खूबसूरत लेक है, वाकई ये खूबसूरत लेक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बांडरसर लेक बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये टीम सही सलामत वापस पहुँचे। जो टीम इस वक्त बांडरसर के बीचों बीच, इस टीम का यही मकसद है कि आज हमें ये पता चलेगा कि बांडरसर लेक की गहराई कितनी है और ये सतह समंदर से किस ऊँचाई पर। और दोस्तों, इस टीम की वसादत से, इस टीम की मदद से हमें ये भी पता चलेगा कि ये लेक किस ऊँचाई पर और इसकी गहराई कितनी है। अगर मैं बात करूँ इस लेक के हवाले से, ये बताया जा रहा है कि ये लेक खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस लेक की अगर हम बात करें, जो मैंने सुना वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बारात आ रही थी यहाँ से पुंछ, या कश्मीर से एक बारात यहाँ से गुजर रही थी, अचानक इस लेक में डूब गई है। वो आपको सामने वाला आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, इस आइलैंड की अगर बात करें, ये वो निशान रह गया, क्योंकि जो मैंने सुना वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो आइलैंड फिर रह गया, वो निशान रह गया वहाँ पे, जिस आइलैंड के बिल्कुल राइट साइड में हमारी जो आज की टीम है वो आपके साथ इस वक्त बराए रास्त है। और मैं लेक के एक साइड से आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो टीम इस वक्त वापस आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि गहराई का पता चला, क्योंकि इस लेक के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये लेक बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो ये टीम है ये सही सलामत वापस आए। इसके बाद हमें जाना है गाड़सर, उसके बाद धमामसर। फ़िलहाल हम बात करेंगे इस लेक के हवाले से। हम अभी गाड़दार में हैं, सोन प्रोफेशन चाहिए है तहकीक कर इमन हाई अल्टीट्यूड लेकन पे। ठीक सर, तो तोसा मैदान मज ये पुन सी राहि फिरदोस तेज फैसलिटेट कोरमुत योर तहन जन गमी कहें, चूंकि अजक ट्यूरस मैं फैसलिटेशन जरूरत रिकायरमेंट ये क्या सरेंडर कर। ठीक सर, ये मे बड़ मकसद अच्छी कैसा गहराई, यानी कूत सनर इन हाई अल्टीट्यूड लेकिन कत अल्टीट्यूडस पे सतह समंदर हर कूत आब क्वालिटी से अत म कम पैरामीटर्स या अत म कस जुवजात इमन मुतलिक तहकीक कर। यह ये कर तकरीबन तकरीबन अक्सर जन हाई अल्टीट्यूड सर तिन्न पे गमित कहें, तो अजकिस दौर ये समर वकेशन यूनिवर्सिटी मैं तो यूनिवर्सिटी तरफ कोर दौर युकन, तो मोन टीम से विकन बांडरसर अंदरक जन विकन मार्फोमेट्री यानी डेपथ वेपथ वन सर कतन कौच डेपथ मंजस कौच डेपथ से अंदर कौच गहराई से, तो चूंकि यह तहकीकी ज़रूरत है तो मुतलिक योर اسلام علیکم سر سر تو ایک کتھ از لیکس پر چون گنس دمام سر لیک توس مدانس مس انا سر ٹھیک سر
آز کٔر اَسہِ گۄڈنِچ لَٹہِ سیمپلِنٛگ. ٹھیٖک حظ سَر. یُس اَتھ ڈیٖپیسٹ پویِنٛٹ آو سُہ چھُ 8 میٖٹر، مٲنۍ تو 30 دۄیہِ 30 فُٹ. دۄیہِ 30 فُٹ حظ.